पे। बट एक चीज अच्छी है केरला में, यहाँ पे लोगों को हिंदी आती है। मॉर्निंग के टाइम पे यहाँ पे तो उबर मिलती ही नहीं है। मॉनसून आ चुका है यहाँ पे। इट्स टाइम टू से गुड बाय टू ट्रिवेंड्रम। बाय बाय बाय। मुझे पहली बार किसी ने फ्लावर्स दिए हैं। Good morning everyone, how are you doing all? So I'm ready to go, OTT of the day. Tie pe mat jana, tie actually humare office ki hai, toh I need to wear this saffron color tie only. Morning guys, so main ready ho chuka hoon. Abhi hum karte hain breakfast, dekhte hain breakfast kya hai restaurant area mein. देन आज पूरा दिन मेरा बिजी जाने वाला है। आई वॉन्ट गेट अ सिंगल टाइम टू मेक अ वीडियो फॉर यू गाइज। सो इवनिंग में मैं चेक करूँगा, जस्ट इन केस अगर टाइम मिला तो मैं कुछ ना कुछ आपके लिए शूट ज़रूर करूँगा। सो दिस हाउ आई लुक लाइक टुडे। ऑप्सी हो गई रेस्टोरेंट फर्स्ट फ्लोर पे, तो मुझे फर्स्ट फ्लोर पे जाना पड़ेगा अभी यहाँ पे। बट एक चीज़ अच्छी है केरला में, यहाँ पे लोगों को हिंदी आती है। अगर दे आर नॉट कम्फर्टेबल विद इंग्लिश तो हिंदी उनको समझ में आती है। दैट इज़ गुड। चलो चलते हम ब्रेकफास्ट करने। देख सकते हैं मैं क्या क्या खाने वाला हूँ। फ्रूट्स, ये उत्पम है, इडली, चटनी, जूस, एग एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू हैव अलोन। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। मॉर्निंग के टाइम पे यहाँ पे तो उबर मिलती ही नहीं है। मैं लास्ट 20 मिनट से कोशिश कर रहा हूँ, बुक ही नहीं हो रही है। तो फाइनली मैंने होटल वालों को बोला है कि जस्ट बुक द कैब फॉर मी। होटल की कैब यूज़ करें, दैट इज़ टू एक्सपेंसिव, फोर टाइम ऑफ द ऊबर, ऊबर का जो प्राइस था। बट एनीहाउ क्या करें, आई एम गेटिंग लेट एंड कल एक्चुअली यहाँ पे बारिश हुई थी, तो जो वेदर है बहुत प्लीजिंग है। रोड्स पे जो पानी गिरा हुआ है ना, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो हम लोग भी वेट कर रहे हैं कि दिल्ली गुड़गांव में जल्दी से बारिश हो और गर्मी से हम सब लोग को निजात मिले, कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो आउटसाइड इवन इन द इवनिंग टाइम। सो लेट्स होप, क्योंकि अभी मानसून आने वाला है केरला में। आई गेस 27th को फोरकास्ट करी है, 27th मई से मानसून आ जाएगा। तो यहाँ पर मानसून आएगा तो जल्दी से वहाँ पर भी राहत मिलेगी फिर हम लोगों को। एक्चुअली मैं जब शाम को आ रहा था तो कैब जो टाइमिंग दिखा रहा था 17 मिनट्स दिखा रहा था सिर्फ, और मैंने वेट किया उसका, बट इट टुक हिम टू कम एट माय पिकअप पॉइंट मोर देन 1 आवर। तो भाई साहब, यहाँ पे अगर आपको 1 मिनट दिखा रहा है तो 1 मिनट का मतलब होता है 10 मिनट, यू नीड टू वेट फॉर अनदर 10 मिनट्स। GPS सिग्नल यहाँ पे बिल्कुल अपडेटेड नहीं है, ये बात करनी पड़ेगी हमको, गूगल से बात करनी पड़ेगी, कुछ करो भाई। यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस। चलो चलो जी भाइयों, लोगों आपको मिलते हैं अब, शाम को मिलेंगे डायरेक्टली, हम लोग मिलेंगे शाम को मिलते हैं। तब तक मैं अपने काम वाम निपटा लूँ, अच्छे से काम करूँ, एंड देन रैपचिक मज़े करते हैं फिर अपन लोग। ठीक है, बाय। त्रिवेंद्रम की सड़कों पे हो रही है बारिश। मानसून आ चुका है यहाँ पे, देखो जी अच्छी खासी बारिश हो रही है। अरे अरे, होटल के नियर बाय एक सुमा मार्ट था, तो मैंने वहाँ पे एक्चुअली दिन के लिए अपने ले लिया, जहाँ पे हमारी लाइक कॉन्फ्रेंस हो रही है वहाँ पे वो फूड डिलीवरी एंड अवेलेबिलिटी नहीं होती। वहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम है एक्चुअली, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो मैंने कल के लिए अपने जूस, कुछ चॉकलेट, चकली, सब केक्स वगैरह ले लिया। तो आई हैव इट टुमारो। लेट्स गेट इन। दिस इज द होटल आई एम स्टेइंग एट। देख नहीं रहे ये लोकल लोग यहाँ पे जा रहे हैं। आई नीड टू क्रॉस द रोड। ओहो, देखो लुंगी डांस करते हुए आगे जा रहे हैं, लुंगी लहराते हुए जा रहे हैं अपनी। चलो जी, हैरिस होटल नाउ। हो नाउ हेलो दादा।
This is what I purchased from supermart. My cake. Chocolates, I love chocolates actually. The chakli also I love. And for my energies. Morning everyone. So kal raat to main zyada explore nahi kar paya, barish itni ho rahi thi yahan pe. To main nearby chai peene gaya tha, then I came back to hotel aur main match wala dekh ke so gaya tha kal. So guys, it's time to say goodbye to Trivandrum. अभी मैं जा रहा हूँ अब वापस गुड़गांव, चेक कर लेता हूँ कुछ चीज़ें रह तो नहीं गई यहाँ पे. नाउ नथिंग हैज लेफ्ट, एवरीथिंग इज पैक्ड. यस, हो चुके हैं पूरी तरह तैयार जाने का एंड आई एम सो हैप्पी, ग्लैड आई एम गोइंग बैक नाउ. काफ़ी अच्छे दिन रहे मेरे यहाँ पे. आई स्टेड हियर फॉर 3 डेज और अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे ट्रिवेंडर में. जो लोग भी यहाँ के बहुत ही हम्बल हैं, बहुत ही पोलाइट हैं और अच्छे भी हैं. तो गाइस चलते हैं, अब चेकआउट करवाता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे कैब बहुत लेट लगाती है आने में. तो कैब तो मेरी बुक हो चुकी है, आई एम वेरी फॉर्चुनेट पर्सन. 10 मिनट में आने वाली है, तो जल्दी जल्दी से चेकआउट मुझे कराना पड़ेगा. अभी यहाँ पे तो लिफ्ट ही बहुत धीरे आती है. मैडम, फॉर योर ऑल हेल्प, यू चेंज माई रूम ट्वाइस अ टाइम. थैंक यू सो मच फॉर दैट. यू गाइज वर सो हेल्पफुल. Thank you so much for that. Bye. Bye. So guys, I'm here at the beach area. Yay! Woo! Wow! यहीं से हमारी फ्लाइट अभी टेक ऑफ करके भी जाएगी. Wow! So beautiful. समंदर के किनारे हो अपने एक आशियाना, ऐसा है मेरा एक सपना. ये देखो समंदर की लहरें आती हुई, तभी यहाँ पे मॉनसून जल्दी आता है. So guys, I have reached airport. ये यहाँ का त्रिवेंद्रम का एयरपोर्ट है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट. छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है. दो छोटे छोटे बैग थे बस. सबवे दिख रहा है, सबवे से मैं कुछ खा लूं. आई हैव समथिंग फ्रॉम सबवे. और आपने जो प्रीवियस ब्लॉग देखा होगा मेरा, पद्मनाभा स्वामी टेम्पल वाला, तो आई वॉज जस्ट वॉचिंग दैट ब्लॉग ओनली. और उसमें जो मैंने अटायर पहना था, धोती एंड कुर्ता, दैट वॉज फेब्यूलस एक्चुअली. यू नो, मुझे उसको पहनते ही एक स्पिरिचुअल, जो स्पिरिचुअलिटी वाली जो फीलिंग है ना, वो आनी शुरू हो गई थी. एंड आई होप यू मस्ट हैव लाइक दैट ब्लॉग एंड द सेम लव यू आर गोना गिव मी ऑन दिस ब्लॉग विच इज गोइंग टू रिलीज नाउ. And this is now end of the blog. Just have reason I want to take some rest. और 6 बजे तक आई नहीं ऑफिस से. उसने मुझे एक्चुअली मैंगो शेक बना के रखा था, बट मैं वो शूट करने ही भूल गया. एनी हाउ, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. और ऐसे ही एंटरटेनिंग और स्पिरिचुअल ब्लॉग हम आपके सामने लाते रहेंगे. सो गाइज, टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल. बाय. This is what I received as a welcome gesture from my wife Ruchi. And a cake also. Thank you so much, Ruchi. And a pastry. And, she has got a cake for me. Pastry. She knew that I like the chocolate flavor. नहीं, मैंने red velvet भी लाया, वो भी तुम्हें पसंद है. Red velvet भी है इसमें तो. Red velvet. मुझे पहली बार किसी ने flowers दिए हैं, except office में मिले एक दो बार. बट फर्स्ट टाइम ऐसे किसी ने मुझे लड़की ने दी. ऑब्वियसली लड़की ने कभी. थैंक यू सो मच रुचि.